लो जी आखिर जी हैदराबाद वालों पे जो है ना वो तरस आ ही गया। अल्लाह ताला को मौसम बड़ा प्यारा हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हैं जी हाँ जी, देखिए पौधे कितने हसीन लग रहे हैं और हमारे ये देखें नीमू कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये एक नया पौधा निकला है मैंगो का। आ रहे हैं अभी सबक। हाँ अनम पॉलर के नाम से सेव किया हुआ है मैंने। आज फ्राइडे है और यहाँ पे बन रहा है खाना। आई डोंट नो, और ये बन रही है बिरयानी, दम बिरयानी तह वाली। और क्योंकि मैं इसकी रेसिपी आपको नहीं दूंगी जो मैं दे चुकी हूँ पहले, और मामा इसकी रेसिपी बना मानो। और दूसरी डिश बनेगी हमारी लौकी का हलवा, तो इसकी मैं आपको ज़बरदस्त सी रेसिपी दूंगी आज। तो आप प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जी तो जी हम लोग नमाज से फारिग वगैरह हो चुके हैं, ज़ोहर की नमाज से, और सफाई वफाई भी कर ली है घर की, डस्टिंग सफाई सब कर ली है हम लोगों ने। अब मैं खाना बना रही हूँ। तो एज़ यूजुअल फ्राइडे इज़ अ हॉलीडे, फ्राइडे इज़ अ बिरयानी डे। तो फ्राइडे को तो हमारे इलाके में बिरयानी बनती है। बिरयानी की वीडियो मैं आप लोगों को कई मरतबा दे चुकी हूँ, तो वो मैं वीडियो आप लोगों को नहीं दे रही। तो प्लीज़ प्लीज़ नए आने वालों से दरख्वास्त है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। और मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला हर जायज़ ख्वाहिशात आपकी पूरी करें। और जिस किसी को कोई भी मुश्किल या परेशानी या कोई दुख या बीमारी है तो अल्लाह पाक उस पर अपना रहम करम नाजिल करें, आमीन सुम आमीन। तो मैं आई हूँ आज एक नई डिश के साथ, और मैं बना रही हूँ लौकी का हलवा, होममेड लौकी का हलवा। और ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाऊँगी मैं, और आप अगर इस तरह बनाएँगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। तो वीडियो हलवा बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो कुछ इस तरह से है कि हमने यहाँ 2 किलो लौकी ली थी, और उसको मैंने पील करके कद्दूकश कर लिया है। और एक भगोने में मैंने थोड़ा सा घी डाला है, और घी के अंदर मैंने इलायचियाँ थोड़ी सी डाल दी हैं। इनको कड़काएँगे, जब खुशबू आने लगेगी तो इसके अंदर हम अपना लौकी डाल देंगे। और जिस जिस तरह जो जो चीज़ मैं डालती जाऊँगी वो मैं आपको आगे बताती जाऊँगी। तो इसको डाल के हमें अच्छी तरह भूनना है, अच्छी तरह खूब भुनाई करनी है खूब देर तक, क्योंकि लौकी पानी छोड़ती है। तो जब तक इसका पानी अच्छी तरह खुश नहीं हो जाता इसको, जब तक हम भूनेंगे अच्छी तरह। और ये बहुत मज़े का और बहुत टेस्टी हलवा बना था। लौकी हो या गाजर हो, इसको अच्छी तरह जब तक हम भूनेंगे नहीं, भुनाई नहीं करेंगे। ये देखें यहाँ पर हम ने इसको, इसका पानी खुश कर लिया अच्छी तरह। इसको मैं अच्छी तरह और फ्राई करूँगी। इसको जब तक अच्छी तरह फ्राई नहीं करेंगे तो इसमें एक पानी का जायका आता रहता है, तो वो बहुत बुरा लगता है। तो वो हमें मतलब अच्छी तरह भूनना चाहिए इसको ना, बहुत अच्छी तरह। खाली मतलब लौकी को या गाजर बना रहे हैं तो उसको भी इसी तरह खूब अच्छी तरह देर तक भुनाई करनी चाहिए। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके 2 से 3 हिस्सों में दूध डालूँगी, और इसको हम डाल के दूध को इसमें खुश करेंगे। क्योंकि अगर हम एक साथ डाल देंगे तो वो बहुत देर में खुश होता है दूध जो है ना। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध ऐड करूँगी और इसको खुश होने तक पकाएंगे। ये देखिए हमारा दूध खुश हो गया इसके अंदर। अब हम दोबारा डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा दूध। इसको मैं डाल के अच्छी तरह खूब खुश करूँगी, फ्राई करूँगी।
ये देखिए अब मैं तमाम दूध इसमें डाल दूँगी। ये बहुत ज़्यादा दूध नहीं था मेरे पास, तकरीबन ये आधा किलो दूध था, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड करके इसको मैंने अच्छी तरह पका लिया है। ये देखें खुश्क हो चुका है हमारा इसके अंदर दूध, तो मैं इसको अच्छी तरह कसूंगी। अब अच्छा इस पॉइंट पे अब मेरे पास है होममेड मलाई, मलाई से कहते हैं जो दूध से निकालते हैं हम लोग, ये है तकरीबन आधा किलो मलाई है, तो ये मैं इसके अंदर डालूँगी। इसके दो फ़ायदे हैं डालने के, एक तो मलाई इसमें जाके घी छोड़ती है, तो वो जो हमने घी कम डाला था तो वो घी में एक असली घी का मज़ा आएगा मिठाई में हमारी, हमारे हलवे के अंदर। और ये जो मलाई है ये बाद में मावा बन जाएगी। तो हमें इसको डाल के अच्छी तरह इसको फ्राई करेंगे, अच्छी तरीके से पकाएंगे खूब देर तक इसको, जब तक कि ये खुश्क नहीं हो जाए बिल्कुल। और ये घी ना छोड़ दे जब तक। ये देखिए हमारा जो है ना तकरीबन भुनने पर आ गया है ये हलवा। अच्छा इस पॉइंट पे अब मैं इसके अंदर शुगर ऐड करूँगी। अच्छा शुगर मैंने अपने अंदाज से डाली है, तकरीबन इतने हलवे के अंदर मैंने 1.5 पाव चीनी डाली होगी, तो ये बिल्कुल सही मीठा था। तो आधा किलो के अंदर अंदर, मतलब आधा किलो तो शायद ज़्यादा हो जाती है चीनी, तो ये ना फीका था ना बहुत तेज़ मीठा था, दरमियाना मीठा था और बहुत अच्छा था। और ये थोड़े से ड्राई नट्स हैं तो ये मैं इसमें शामिल करूँगी, आधे से ज़्यादा इसमें डालूँगी मैं, बाकी मैं गार्निश करूँगी आखिर में। तो अब हम इसको चीनी डालने के बाद, ऐसी बात है चीनी पानी छोड़ती है, तो अब हमें इसे अच्छी तरह टाइट फ्राई करना है ज़बरदस्त तरीके से। यकीन करें अगर आप लोग इस तरह बनाएंगे तो ये बहुत मज़े का और बहुत टेस्टी बनता है और जल्दी बन जाता है। वैसे और भी तरीके बनाने के, बहुत से लोग दूध में पकाते हैं, बहुत से लोग पकने के बाद इसको अलग से लौकी भी पका के बाद में मावा शामिल करते हैं, लेकिन मेरा एक अपना तरीका है, मैं थोड़े तजुर्बे करती रहती हूँ, तो ये भी बहुत अच्छा बना था, बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़ेदार। थोड़ी सी चीनी मुझे कम लग रही थी तो बाद में थोड़ी सी मैंने इसमें और चीनी शामिल की थी। तो बाकी ये कि चीनी का हिसाब का इस तरह है कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कुछ लोग ज़्यादा टेस्ट पसंद करते हैं मीठा, कुछ लोग कम पसंद करते हैं, कुछ दरमियाना पसंद करते हैं, तो उस हिसाब से। अब देखिए मैं यहाँ पे खूब इसको टाइट फ्राई करूँगी अच्छी तरीके से, जब तक हमारा घी ऊपर नहीं आ जाता। यहाँ पे देखिए हमारा अच्छी तरह जो हलवा है टाइट हो गया। अच्छा ये मेरे पास होममेड मावा है जो मैंने 1 किलो दूध का बना के रखा था, अब ये आधा तो मैं इसमें शामिल करके मिक्स कर रही हूँ और आधा मैं गार्निश करूँगी इसके ऊपर, तो इसका फ्लेवर और दुबाला हो गया था और मज़े का हो गया था। अब मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखेंगे हमारे हलवा मैंने डिश आउट कर लिया है, मैं इसके ऊपर इसकी खूबसूरती बहाल करने के लिए इसे मैंने मावा गार्निश किया है। हाफ मावा गार्निश किया है इसके ऊपर मैंने। अब मेरे पास कुछ ड्राई नट्स हैं तो मैं वो डालूँगी इसके ऊपर जो मैंने बचा लिए थे गार्निशिंग के लिए। और फाइनली इसके ऊपर मैं चांदी की वरक लगाऊंगी। अच्छा चांदी के वरक में भी ना कुछ क्वालिटियाँ शायद आती होंगी, ये मैंने मंगवाए थे तो ये तो चबी ही रहे थे, लग रहा है चांदी के नहीं थे, ये एल्युमिनियम के थे शायद मेरे ख्याल से। बहरहाल खैर मैंने डेकोरेट कर दिए थे लेकिन खाते गए थे हम, निकालते गए थे मुँह से अपने ही। बारह लिखे हमारे हलवे की फाइनल लुक और इतने मज़े का और इतना टेस्टी बना था। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको पहले से देखने को मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।